अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का मैं भी ठीक हूँ। तो आज का रिमाइंडर ये है कि अगर कोई इंसान गुमराह हुआ होता है देन उसको ऐसा भी है कि आप ब्लेम नहीं करोगे, ऐसा भी है कि कहीं लोग ऐसे भी है कि जिनको पता ही नहीं है मतलब हम कर क्या रहे थे, हमें करना क्या था। एंड वंस दे रियलाइज कि वो तो मतलब सीरियसली अल्लाह ताला ने ऐसी तौबा भी दी होती है आधे लोगों को, जो ही उनको पता चलता है कि नहीं जिस राह पे हम चलते थे ये गलत है, अब ये वाला पाथ मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि आपने देखे होंगे इतनी स्टोरियाँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे होंगी जिनका मतलब देखा होगा कि आपने कि उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई। तो लेकिन आधे होते हैं जो उन्हें हमेशा हमेशा हर्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल दूंगी, फॉर एग्जांपल एक लड़की है जिससे बहुत सारे गुनाह हो गए हैं, बहुत सारे, लेकिन वंस उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी मैं आई ही क्यों इस दुनिया में, मेन मकसद क्या है, ये ज़िंदगी ये दुनिया मुझे मज़े करने के लिए नहीं है, ये मेरा एक टेस्ट है तो मुझे ही पास करना है। जो ही उसको पता चलता है देन वो अल्लाह ताला के सामने तौबा करती है, इस्तग़फ़ार करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, फ्रेंड सर्कल में कहो, एनवायरनमेंट में कहो, कॉलोनी में कहो, कहीं भी कहो, वो उनको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट करते हैं कि नहीं ये तो पहले ऐसी थी अब ऐसे हो गया, अचानक क्या हो गया तुम्हें, हमें पता है तुम्हारा पास्ट, हमें पता है तुम क्या करती थी, हमें वो पता है, हमें ये पता है। वल्लाह मैं एक बात कहूँगी, आप नहीं जानते हो लोगों के दिलों का हाल, आपको नहीं पता है उनके दिलों में क्या है। अगर एक इंसान से फिर भी अगर एक इंसान एक प्रोसीजर में मतलब एक मैं क्या बोलूँगी सीक्वेंस में आ जाए कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है, एक ही साथ सब कुछ नहीं हो सकता, वो कर रहा है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज, लेकिन आप कभी उसको बोलोगे कि मतलब फॉर एग्जांपल वो नमाज़ें पढ़ती है या पढ़ता है, स्टिल आप उसको कभी कहोगे उससे एक गलती हो गई, आप कहोगे कि आपकी नमाज तो नमाज पढ़ती हो, आपको तो ऐसा नहीं जजता है, नहीं नहीं एटलीस्ट आप तो ये नहीं कर सकती है। देखो मैं आपको एक बात बोलूँगी, नमाज आप पे भी फर्ज है और हम पे भी फर्ज है, गलतियाँ आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन आप बीच में उन नेकियों को नहीं अला सकते हो, आप उन नेकियों को एक टॉन्ट में नहीं बदल सकते हो कि आप ऐसा करते हो आप ऐसा नहीं कर सकते। गलती हमसे हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, अगर हमने ऐसी ज़बान नहीं लाई है कि हम आपको ऐसा बोलते हैं कि आप नमाज़ें पढ़ती हो, आप ऐसा करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब बहुत बहुत सारी बुरी बुरी बातें आप बोलोगे। देखो ऐसा मतलब कहीं नहीं है, आप एक अगर वो इंसान मतलब अपनी एक लाइफ में चल रहा है कि या अल्लाह से दुआएं करता है कि या अल्लाह मुझे नेक नहीं किया था फरमा, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे नहीं टॉन्ट्स मार सकते हो कि आपको ये नहीं जजता है, आपको आपने को नहीं मतलब एक हिसाब से आपकी नमाज भी कबूल नहीं होगी, आपने क्यों मतलब आप क्यों नहीं किए, क्यों कौन सी नमाज है, ऐसी नमाज से कबूल नहीं होती है। तो मैं उनको ये कहूँगी कि उनको उनके अल्लाह तक मतलब छोड़िए, जो अल्लाह करेगा उनके लिए, आप अपने ईमान पर करिए ज़्यादा फोकस, बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।